आईआईटी दिल्ली में, और आज मैं आपसे हुआ हूँ एक लेसन के बारे में जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और ये लेसन है ना सिर्फ कुकिंग के बारे में बट फादरहुड के बारे में। और इसमें मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा जिससे ना सिर्फ कुकिंग बट आपकी फैमिली लाइफ और आपका फादरहुड सब बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी हम सोचते हैं कुकिंग, हम सोचते हैं कि हमें क्या पकाना है, कैसे पकाना है, क्यों पकाना है, पर हम ये नहीं सोचते कि कुकिंग की फिलॉसफी जो है वो एक फादरहुड के साथ कैसे उसका रिलेशन है। इसको समझाने के लिए मैं आपको उस रूम में ले चलता हूँ जहाँ मुझे एक फादरहुड का एहसास भी हुआ और कुकिंग भी करने को मिली। क्योंकि आज से पहले जैसे मैं बहुत सारे हिंदुस्तानी हस्बैंड्स होते हैं, मैंने कुकिंग के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं था क्योंकि मेरे पास था ये 2 मिनट का सोल्यूशन। जब जब मुझे जिंदगी में जरूरत पड़ी काम आया। इंस्टेंट नूडल्स बना लीजिए, चाउमीन बना लीजिए, अंडा, ब्रेड, चाय, और क्या चाहिए। पर जब मैं एक फादर बना तो मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मेरी मिसेज जो थी उनको तो बच्चे की ख्याल रखना था, बट खाना पकाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। मैंने अपने लिए स्पेशल ग्लव्स मंगवाए ताकि मैं बर्तन धो सकूं। मैंने अपने लिए बहुत सारी चीजें ली जिससे मैं खाना पका सकूं, मगर बनाना क्या होता है ये मुझे खुद सीखना पड़ा। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रोटी। ये इतनी सिंपल चीज है जो हम जिंदगी भर खाते हैं पर कभी सोचते नहीं है कि ये पराठा और रोटी कैसे बनती है। तो इसके बारे में जो मैंने सीखा वो सबसे जरूरी ये नहीं था कि कहाँ से आटा आ रहा है या आप क्या कितना पानी इसमें डाल रहे हैं। सबसे जरूरी चीज जो कि कुकिंग के बारे में मुझे इस लॉकडाउन में समझ में आई वो है टाइम। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको अपने खाने पकाने में जरूरी है। आप सिर्फ 2 मिनट का नूडल तो कभी भी बना सकते हैं, और जब आप रोटी बनाते हैं, जब आप सब्जी बनाते हैं, जब आप मीट्स बनाते हैं, आप बिरयानी बनाते हैं, जो मैंने बनाकर दिखाई और अपने इन लॉज को, खासकर अपनी मदर इन लॉ जो बहुत अच्छी कुक है, उनको इम्प्रेस भी किया, तो उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो था टाइम। और जिस तरह आप अपने बच्चों को अगर टाइम देंगे तो एक अच्छे फादर बनेंगे, उसी तरह कुकिंग के लिए आपको अपने किचन में टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। इसी मैसेज के साथ आई विश यू ऑल अ हैप्पी फादर्स डे एंड गुड लक विद कुकिंग।